सो हे गाइस, पहली बात, हैप्पी न्यू ईयर 2020। आप लोगों का ये साल बहुत ही शुभ रहे एंड यू गाइस क्रिएट अ लॉट ऑफ ग्रेटनेस अराउंड यू। जो भी अचीव करना चाहता हो वो करो। तो दिस आर द गुड विशेस फ्रॉम मी एंड गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रोफेसर टेक यूट्यूब चैनल एंड हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में। एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक ग्राफिक्स कार्ड बाइंग गाइड है। ये एक ऐसा गाइड है जिसमें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास अगर इतना पैसा है तो तुमको ये मॉडल, ये स्पेसिफिक मॉडल तुमको खरीदना चाहिए। बिकॉज अगर तुम उसके अलावा कोई भी दूसरा मॉडल खरीदोगे तो 99% ऑफ द केसेस में इट विल नॉट मेक सेंस टू बाय दैट, क्योंकि AIB बोर्ड पार्टनर्स जो होते हैं उनका प्राइस जो है वो डिफरेंट होता है। तो अंटी, अनलेस यू आर बाइंग दिस और तुमको स्पेसिफिकली चाहिए RGB चाहिए या लिक्विड कूलिंग चाहिए, तो उस टाइप का कुछ, अदरवाइज दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू टू पिक अप एट दैट बजट। अगर तुम्हारे पास लेट से 50,000 रुपीज़ का बजट है तो वॉट यू वॉन्ट टू डू विद दैट इज यू वॉन्ट टू स्पेंड ऑन ए ग्राफिक्स कार्ड जो कि 20,000 से 25,000 के बीच में हो। सो दैट इज़ द रेशियो जो मैंने एक Q&A में भी क्लियर किया था। तो अगर तुम लोग को वो देखना है वीडियो तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वो चेकआउट कर लेना, द वेरी हेल्पफुल। बट इस ग्रम में मैं स्पेसिफिकेशंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ एंड वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट वॉट, कितना प्राइस पॉइंट अगर आपके पास है तो उससे आपको क्या खरीदना चाहिए। द सेकेंड थिंग, ये जितने भी ग्राफिक्स कार्ड हैं इसके कुछ कुछ ऑप्शंस रहेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज बट नॉट इन अ वेरी बिग वन। उसके लिए तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक वीडियोस बनाने पड़ते हैं, बट राइट नाउ हम लोग जितना कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम में जितना क्लियरिफाई कर सकें वो हम करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है दैट इज 4K गेमिंग, अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट पे करना है, वहाँ पे राइट नाउ देयर इज ओनली वन कार्ड, दैट इज द RTX 2080 Ti फ्रॉम NVIDIA। एंड इसमें अगर इस वेबसाइट पे आप चेक करोगे तो बिकॉज दीज आर नॉट माई एफिलिएट लिंक्स, ये मेरे को प्राइस पॉइंट्स मिले हैं एंड दीज आर जस्ट द बेस प्राइसेस, यू कैन बाय इट फ्रॉम एनीवेयर। अमेजोन पे खरीदोगे तो 500-700 रुपये ज़्यादा महंगा मिलेगा, अगर लोकल शॉप्स में खरीदोगे तो मे बी इससे 500-700 रुपये कम सस्ते में मिलेगा। बट यू हैव टू टेक केयर कि आपको टोटल खर्चा कितना पड़ रहा है अगर आप ये सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो शिपिंग चार्जेस को दिमाग में रखना, कहीं अगर जाके खरीदना है तो वहाँ जाने आने का खर्चा एंड द कैरिंग कॉस्ट, द मेहनत, वो सब भी इंक्लूड कर लेना उसमें। तो पहला जो कार्ड है दैट इज़ फॉर 4K हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग एंड दैट इज़ द RTX 2080 Ti। सिर्फ एक ही चिप है जो कि ये हमको प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा द सेकेंड ऑप्शन इज 2080 Super, विच इज़ गुड, बट द किंग इज RTX 2080 Ti। एंड इंडिया में अगर तुमको जाना चाहिए किसी चीज़ की तरफ, द ऑप्शन इज द GALAXY GeForce RTX 2080 Ti SG Edition। वन क्लिक OC है, 3 फैंस हैं एंड इसके साथ तुम लोगों को फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी कूल रहेगा। हाउएवर अगर तुम लोगों को चाहते हो कि तुम में से कुछ enthusiast हो एंड लिक्विड कूलिंग की तरफ जाना चाहते हो तो देन गो फॉर द Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Ti Blower Edition। तो बिकॉज आपको फाइनली यू हैव टू गो फॉर द लिक्विड कूलिंग, अगर तुम इसमें लेट्स से क्रैकन G2 वगैरह लगाते हो तो दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट टू 5,000-6,000 मोर इंक्लूडिंग द AIO एंड दिस थिंग। तो दैट उसके लिए तुम ये 88,000 का मॉडल यूज़ कर सकते हो। दिस इज इट, हाई रिफ्रेश रेट यानी 144 Hz पे अगर आपको 4K पे गेमिंग करना है तो दिस इज द कार्ड आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू। एंड इसके बाद द सेकेंड ऑप्शन इज इफ़ यू हैव 60,000 रुपीज बजट एंड इसमें भी आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं आते हैं, Inno 3D का RTX 2080 Super Twin X2 Edition नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर 57,999 लोकल शॉप्स पे, मे बी इसके आसपास के प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। बट 2080 सुपर जो है वो 2080 को रिप्लेस करने के लिए आया है, विच गिव्स इट मोर बैंडविड्थ एंड ज़्यादा बैंडविड्थ की वजह से इसका परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं 2080 Ti को टच करता है। बट इट इज़ नॉट द अल्टीमेट एंड 1080 Ti को बहुत अच्छे से कंप्रिहेंसिवली बीट करता है। RTX फीचर आपको मिलता है एंड यू गेट द न्यू NVENC एनकोडर विद दिस कार्ड। सो 60,000 रुपीज़ अगर आपका बजट है तो देन यू शुड गो फॉर दिस। अगला हमारा बजट है अराउंड 40,000 रुपीज़ का एंड इसके अंदर देर आर 2 कार्ड। तो फर्स्ट इज़ द RTX 2070 Super Edition जो कि RTX 2070 को रिप्लेस करता है। सेकेंड इज़ द RX 5700 XT Edition जो AIB बोर्ड पार्टनर्स का है। नाउ इसके अंदर तुमको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि RTX 2080 सुपर जो है वो बेसिकली एक RTX 2080 है विद उसमें से कुछ चीज़ों को कट किया गया है एंड उसकी वजह से ये जो इसका जो बैंडविड्थ है इसको लिमिट किया गया है। बट इसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं RTX 2080 Super को टच करने के लिए आता है। तो 40,000 रुपीज़ बजट में दिस Inno 3D RTX 2070 Super Twin X2 Edition इज द वन यू शुड गो फॉर। तो 40,000 रुपये में यू आर गोइंग टू गेट एन RTX 2080 टाइप का गेमिंग बट 8GB VRAM के साथ एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट यू एंड 40,000 में दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कुड गो फॉर। साथ ही यू विल गेट रे ट्रेसिंग फॉर यूजिंग ऑन थिंग्स। नेक्स्ट हमारा बजट है, लेट्स से इफ आवर बजट इज 35,000 रुपीज़
or 36,000 rupees. So in that case, the option which you get is 5700 XT from AMD, and Intel, NVIDIA ki taraf se you get the RTX 2060 Super. So in dono cards mein, if you have an option, go for the RX 5700 XT, and the option I'll ask you to go is Asus ka Tough Gaming ka RX 5700 XT OC edition, and you get it for 37,000 rupees. नेक्स्ट हमारा जो बजट है अगेन 30,000 के आसपास में, एंड इसके अंदर जो बेस्ट कार्ड यू विल गेट इज RTX 2060 सुपर एडिशन 8GB VRAM के साथ. तो दिस इज क्लोजर टू एन RTX 2070, इसीलिए इन्होंने जो है RTX 2070 को फेज आउट कर दिया. राइट नाउ इट इज़ नॉट यू नो ब्रिंगिंग एनी वैल्यू. तो ये आपको परफॉर्मेंस वैसे ही दे देता है. तो गैलेक्स का RTX 2060 सुपर एडिशन यू गेट 8GB VRAM एंड काइंड ऑफ 2070 ओनली, एंड इसमें तुमको परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, RTX के फीचर्स मिलेंगे, एंड दैट इज वाई आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस इफ यू हैव अ बजट ऑफ अराउंड 32,000 रुपीज. अगला जो कार्ड है दैट इज 25,000 से 27,000 के बीच का कैटेगरी, एंड बहुत लोगों का ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. तो इसमें देयर शुड बी टू ऑप्शंस, RX 5700 AMD की तरफ से एंड RTX 2060 जो कि है NVIDIA की तरफ से. नाउ इसमें 6GB VRAM हमको मिलता है NVIDIA में, RX 5700 में हमको 8GB VRAM मिलता है, बट दैट कार्ड इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया एज ऑफ नाउ. मेरे को किसी भी वेंडर के पास नहीं मिला. यू गेट द रे ट्रेसिंग का बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट, बट इट विल प्ले अ पार्ट. अगर तुमको रे ट्रेसिंग यूज करना है, नया एनवेंक यूज करना है, तो दिस इज द कार्ड यू शुड गो फॉर. हाउएवर जब 5700 का स्टॉक अवेलेबिलिटी आ जाएगा तो फ्यूचर वीडियोज में आई एम गोइंग टू रिकमेंड वन ऑफ दोस टू यू. अगला जो हमारा बजट है बहुत इंपॉर्टेंट बजट है 20,000 रुपीज, एंड ये उन लोगों के लिए है जो 50,000 के बजट पे ये जो बनाना चाहते हैं, 40 से 50,000 के बीच में यू कैन यूज दिस कार्ड. तो 1660 सुपर इज बेसिकली 1660 Ti. हाउएवर द परफॉर्मेंस जो है बेसिकली 5-10% का डिफरेंस ही आता है दोनों में, एंड यू गेट 20,000 रुपीज में Zotac का GTX 1660 सुपर ट्विन फैन 6GB एडिशन. अगेन इट इज बेटर देन जो भी AMD ऑफर कर रहा है उसमें, 5500 XT बोल लो या 5500 बोल लो, उन दोनों से बेटर ये परफॉर्म करता है. तो यू शुड गो फॉर 1660 सुपर एट 20,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे. इसके बाद जो नेक्स्ट बजट है दैट इज अराउंड 16,000 टू 17,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट, एंड इसमें द सेकेंड ऑप्शन यू गेट इज गैलेक्स 1660 विदाउट द नॉट द सुपर एडिशन. यू गेट इट फॉर 16,299 रुपीज. अगेन 5500 AMD की तरफ से आता है, बट 6600 कॉम्प्रिहेंसिवली उसे बीट करता है. सो आई थिंक यू शुड गो फॉर 1660 की जो गैलेक्स की तरफ से है, एंड यू डेफिनेटली गेट 6GB VRAM मिलता है तुमको, न्यू एनवेंक एनकोडर मिलता है, एंड दैट इज़ वेरी गुड एट दिस प्राइस पॉइंट. अगला बजट है 13,000 to 14,000 रुपीज का, एंड इसके अंदर बेसिकली देर आर टू ऑप्शन. आइदर यू कैन गेट RX 570 4GB एडिशन जो कि आपको 11,000-12,000 में मिल जाता है, या फिर द GTX GeForce 1650 सुपर एडिशन. नाउ 1650 सुपर इज अ बेटर कार्ड देन 1650, एंड इसके अंदर आपको 4GB VRAM मिलेगा, बट जो कूड़ा कोर्स हैं वो ज़्यादा हैं, एंड उसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द दोस कार्ड जो मैं काफ़ी अच्छे से रिकमेंड कर सकता हूँ. तो गीगाबाइट का GeForce GTX 1650 सुपर एडिशन एट 14,000 रुपीज इज़ अ गुड बाय एट दिस प्राइस पॉइंट. ये RX 570 को बीट करता है सारे ही बेंचमार्क्स में, एंड अगर 580 आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है तो स्टिल आई रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस, बिकॉज 580 जो है वो 2 साल पुराना आर्किटेक्चर है, एंड स्टिल इट मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको ये बीट करता हुआ दिखेगा उसको. सेकंड ऑप्शन जो आएगा दैट इज द RX 5500, 1650 परफॉर्म्स बेटर देन RX 5500, सो यू शुड गो फॉर दिस इन दिस प्राइस रेंज. अगला बजट है 10 से 11,000 के बीच में, बहुत लोगों का इंपॉर्टेंट बजट है. नाउ इसमें इससे पहले तक हम लोगों को मिलता था 1050 Ti, अभी मिल रहा है आपको 1650, एंड द सेकंड ऑप्शन यू विल गेट है न्यू RX 570 4GB एडिशन. तो इन दोनों कार्ड्स में बहुत ही जब वन ऑन वन होता है तो 99% ऑफ द केसेस यू विल सी दैट यू आर गोइंग टू गेट बेटर परफॉर्मेंस, 2-5% का बेटर परफॉर्मेंस विद RX 570. हाउएवर 1650 इज अ न्यू कार्ड, एंड अगर तुम लोगों को कोई 6-pin कनेक्टर नहीं डालना है तो दिस कार्ड इज गोइंग टू सफाइस दैट. तो इसीलिए अगर एग्जिस्टिंग सेटअप है वहाँ पे आपको 1650 ऐड करना है तो यू शुड गो फॉर दिस 11,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में. हाउएवर RX 570 इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू बेटर परफॉर्मेंस, बट उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, आपको SMPS चेंज करना पड़ सकता है, तो दैट इज़ एन इशू विद दैट कार्ड. तो इसीलिए ये कार्ड जो है ये इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं था जब ये आया था, मुझे पसंद भी नहीं था, बट नाउ इसका एक जगह है जब उन्होंने 1050 Ti को आउट मतलब एंड ऑफ लाइफ करने का सोच लिया है या फिर उसको और पीछे भेजने का सोच लिया है. एंड नाउ द फाइनल कार्ड, अगर 10,000 से नीचे का बजट है द ओनली कार्ड यू शुड गेट इज द GTX 1050 Ti जो कि तुमको डिसेंट गेमिंग कराएगा, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, बट यू कैन गेट इट फॉर 8499 पालित की तरफ से जैसे कि तुम लोग देख रहे हो. हाउएवर
इन द सेकेंड हैंड मार्केट यू आर गोइंग टू गेट RX 580 तक इस प्राइस पॉइंट पे, तो यू शुड कंसीडर द सेकेंड हैंड मार्केट अगर आपका प्राइस पॉइंट इससे कम है। इससे कम में अगर कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तुमको लेना है तो आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू एनी ऑफ दोज कार्ड्स। अगर तुम्हारा नया सिस्टम है तो गो फॉर एन APU, बाद में अपग्रेड कर लेना। एंड अगर तुम्हारा लेट्स से द ओनली रियलिस्टिक कार्ड विच इज देयर इज RX 550 एंड GT 1030, एंड ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे नहीं हैं एंड इंटीग्रेटेड वेगा के ग्राफिक्स से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, तो इस प्राइस पॉइंट से नीचे अगर आपको लेना है, नया सिस्टम खरीद रहे हो, तो गो फॉर एन Ryzen 3 2200G और 3200G और Ryzen 5 2400G एंड 3400G। बेसिकली 2400G इज गोइंग टू परफॉर्म अ लिटल बेटर, बट द रियल प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इज यू नो रिसीव्ड बाय Ryzen 3 2200G विथ वेगा 8 ग्राफिक्स। तो गाइज दीज आर द कार्ड जो मैं, अगर मेरे पास इतना प्राइस पॉइंट होता तो मैं खरीदता। एंड तुम लोगों को क्या लगता है नीचे मुझे कॉमेंट्स में बताओ, तुम में से इसमें से कौन से बजट वाला कौन बंदा है एंड उसको कौन सा कार्ड पसंद आया। एंड गाइज आई एम नॉट अगेन अफिलिएटेड टू दिस वेबसाइट, मैंने बस इसका प्राइस पॉइंट उठाने के लिए किया बिकॉज आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि इनका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का प्राइस सेम रहता है। तो आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो, अगर पसंद आए तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं तो गिव इट अ डिसलाइक, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ऑल नोटिफिकेशन पे उसके बाद सेलेक्ट करना सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन, बिकॉज मैं गिव अवेज कर रहा हूँ, अभी भी क्रिसमस पे भी किया था, न्यू ईयर पे भी किया था, एंड नेक्स्ट गिव अवे हमारा 4000 सब्सक्राइबर्स पे है, तो 4000 सब्सक्राइबर्स जब भी हो जाएंगे आई विल बी पुटिंग अप Paytm का 110 rupees का वाउचर ऑन माय कम्युनिटी पोस्ट, नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज गाइस फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, स्टे ऑसम स्टे सेफ, जय हिंद।